जय जिनेंद्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, राजस्थान की मरु वृंदावन सीकर नगरी के निकट अरावली पर्वतमाला की अद्भुत श्रृंखला की तलहटी में अपनी भव्यता एवं ऐतिहासिकता को संजोए हुए श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रैवासा विद्यमान है, जहां नसिया जी में भगवान चंद्रप्रभ की पद्मासन प्रतिमा विद्यमान है, जो कि अत्यंत चमत्कारी एवं प्रभावशाली है। इस वेदी की भव्यता देखते ही बनती है। जो भी इस प्रतिमा के दर्शन करता है वो आत्मविभोर हो उठता है। भगवान चंद्रप्रभ की वेदी के अलावा यहाँ दाई ओर भगवान शांतिनाथ की वेदी और बाई ओर भगवान सहस्त्रफणि भगवान पार्श्वनाथ की वेदी है। दोनों ही प्रतिमा अत्यंत मनोहारी एवं सुंदर है। इस तीर्थ परिसर में ही भगवान आदिनाथ का सुंदर जिनालय भी बना है, जहां पद्मासन मुद्रा में भगवान आदिनाथ विराजित है। इस क्रम में अतिशयकारी भगवान सुमति नाथ का मंदिर भी है, जहां श्वेत पाषाण में भगवान सुमति नाथ विराजित है। भगवान सुमति नाथ की ये वेदी भी अतिशोभनीय प्रतीत होती है। मंदिर में अन्य और भी वेदियां हैं, जहां तीर्थंकर प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहां विराजित प्रत्येक प्रतिमा अत्यंत अतिशयकारी है। यहां का कण कण वैराग्यमयी गौरव गाथा का दिग्दर्शन कराता है, इसलिए तो यहां वर्ष भर भक्तों की चहल पहल रहती है। सभी लोग परिवार सहित यहां आकर अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। इस भव्य तीर्थ में नववर्ष 2022 के प्रथम दिन निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से श्री 1008 सुमतीनाथ भगवान का 1008 कलशों द्वारा महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ। मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ति भगवते श्रीमते पवित्रताम तर्जलनाभिषेच्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवनी रई शीर्वार्धि रूपकै स्नाप्यामि जन्माप्तांजनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। क्षेत्र पर पधारे सभी पुरुषों ने श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत होकर प्रभु का मंगल अभिषेक किया। इंद्राय जले निष्प्रप्यामः ओम रीम श्रीम क्लीम एम श्री सुमतीनाथ जी नेन्द्राय जले निष्प्रप्यामः ओम रीम श्रीम क्लीम एम श्री सुमतीनाथ जी नेन्द्राय जले निष्प्रप्यामः ओम रीम श्रीम क्लीम एम श्री सुमतीनाथ जी नेन्द्राय जले निष्प्रप्यामः ओम रीम श्रीम क्लीम एम श्री सुमतीनाथ जी नेन्द्राय जले निष्प्रप्यामः ओम रीम श्रीम क्लीम एम श्री सुमतीनाथ जी नेन्द्राय जले निष्प्रप्यामः ओम रीम श्रीम क्लीम एम श्री सुमतीनाथ जी नेन्द्राय जले निष्प्रप्यामः ओम रीम श्रीम क्लीम एम श्री सुमतीनाथ जी नेन्द्राय जले निष्प्रप्यामः। जिन्होंने कलश का पुण्यार्जन का काम किया है उनके नाम में इस मंच से उद्घोषित कर रहा हूँ, जो इस प्रकार हैं: 108 कलश श्री पारसमल जी, नरेश कुमार जी निवासी सुजानगढ़ प्रवासी शिलोंग, 108 कलश श्री महेंद्र कुमार जी काला अड़कसर वाले प्रवासी कोचीन, श्री पवन कुमार जी, अमित कुमार जी काला दांता वाले निवासी जयपुर, 108 कलश श्री महावीर प्रसाद जी, मनोज कुमार जी, महेश कुमार जी, मनीष कुमार जी ठोलिया खटुंद्रा वाले निवासी बेंगलोर सीकर, 108 कलश श्रीमती प्रेम देवी, मनोज कुमार जी बज पलाड़ा वाले निवासी सीकर, गजेंद्र कुमार जी, पदम चंद जी, प्रदीप कुमार जी ठोलिया निवासी रेवासा सीकर, श्री विजय कुमार जी दोध वाले निवासी कलकत्ता, श्री हुकम चंद जी, राहुल कुमार जी, चंदू जी पहाड़िया निवासी दिसपुर गुवाहाटी, श्रीमती स्वरूप कांता एवं गोपाल जी भट्टात्या निवासी नागौर, इन्होंने 50-50 कलश की स्वीकृति दी है। 31 कलश वाले हैं
श्री प्रकाश चंद जी अजमेरा डीमापुर, श्री दीप चंद जी नरेश कुमार जी काला सीकर, श्री वीरदी चंद जी भागचंद जी डीमापुर, श्री पवन कुमार जी छावड़ा रेवासा वाले सूरत, श्री राजेंद्र कुमार जी छावड़ा रेवासा वाले विजयनगर, श्री नृपेंद्र कुमार जी संजय कुमार जी छावड़ा रेवासा वाले निवासी जयपुर, श्री तारा चंद जी सरिता देवी संजय कुमार जी नेहा देवी निवासी बेंगलोर, श्रीमती विमला देवी सिद्धार्थ जी सिद्धि सेठी सुमित जी सेठी विजय सुमित जी बेंगलोर, श्री जीवन लाल जी सुशील कुमार जी सुनील कुमार जी बड़जात्या परिवार सीकर, 21 कलश वाले श्री जय कुमार जी पांड्या किसनई आसाम, श्री मदन लाल जी राजेंद्र जी छाबड़ा रेवासा वाले निवासी सूरत, श्री प्रभु दयाल जी कमल कुमार जी छाबड़ा रेवासा वाले सूरत, श्री रतन लाल जी रूलानी वाले, 11 कलश वाले हैं डॉक्टर विकास जी विनायक सीकर, रितेश जी पाड़िया सीकर, पारस जी छाबड़ा सीकर, सुवालाल जी महेश जी बरजात्या सीकर, श्री सीकर चंद जी किशोर जी संगई सीकर, श्री चिरंजी लाल जी मोहित जी काला सीकर, श्री मनोज जी पाटोदी जीगर, श्रीमती सरोज देवी सुरेश जी झांतरी सूरत, श्री महेंद्र कुमार जी संजय जी बरजात्या सीकर, श्रीमान विमलेश जी बीना जी काला परिवार सूरत, श्रीमती उमराव देवी विजय कुमार जी निवासी कोलकाता, श्रीमान विमल कुमार जी जिनेन्द्र कुमार जी छावड़ा रेवासा वाले निवासी कोलकाता, श्री मुकेश कुमार जी विकास जी लुवाड़िया सीकर, डॉक्टर एम पी जैन सीकर, मार्च से 36 कलशों की स्वीकृति 136 कलशों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो पुलकित जी छावड़ा रेवासा वाले सूरत निवासी इन्होंने अपने प्रयत्नों से 136 कलश सूरत समाज से भिजवाए हैं, उनको साधुवाद। 125 कलश गौरव जी बड़जात्या सूरत द्वारा एकत्रित किए गए हैं, 109 कलश मोनू जी गोदा फतेहपुर द्वारा भिजवाए गए हैं, डीमापुर समाज से 77 कलश इंदिरा जी गंगवाल, 113 कलश सुगन चंद जी धाजरी भीलवाड़ा वाले और 31 कलश राजेश जी एलानी, इम्फाल से रितेश जी छावड़ा ने 39 कलश, 40 कलश विजय कुमार जी टोंगिया सीकर, 10 कलश दिल्ली से बसंत विहार कॉलोनी से ज्ञान चंद जी धोदवालों ने और डीमापुर से प्रभु दयाल जी प्रदीप कुमार जी सेठी परिवार सीकर 5 कलश, श्री विनोद कुमार जी अभिषेक जी सेठी इम्फाल 7 कलश, श्री राजेंद्र जी योगेश जी बाकलीवाल सीकर जयपुर पलाड़ा वाले सीकर जयपुर, श्री बसंत जी मनन जी सेठी लाडनू 7 कलश, 9 कलश श्रीमान सुनील जी मीरा जी छाबड़ा परिवार फतेहपुर, सुनील जी मीरा देवी विकास कुमार जी पाड़िया लुवाड़िया 5 कलश सीकर, 300 के लगभग कलश जय कुमार बड़जात्या जयपुर ने अपने प्रयत्नों से किए हैं, जिनके नाम में इस प्रकार है, 9 कलश जय कुमार सौरभ मोहित बड़जात्या नेमी सागर, 2 कलश राधे श्याम जी बेराठी नेमी सागर, 5 कलश सुशील जी बाकलीवाल गोवर्धन कॉलोनी जयपुर, 3 कलश गजेंद्र कुमार जी प्रतीक कुमार जी ब्रह्मपुरी जयपुर, 4 कलश प्रकाश चंद जी मनोज जी पाड़िया चौमू वाले जयपुर, 5 कलश हरीश कुमार जी देवेश जी प्रवेश जी सर्वेश जी बड़जात्या सीकर, 5 कलश विमल जी प्रेमलता जी पाटनी धोदवाले जयपुर, 5 कलश पवन कुमार जी प्रदीप कुमार जी सोगानी खातीपुरा जयपुर, 1 कलश श्रीमती सुधा जी जैन चित्रकूट जयपुर, 5 कलश ज्ञानचंद जी अमित कुमार जी जैन वैशाली नगर जयपुर, 11 कलश जय कुमार जी करेश जी पुनीत जी पाटनी कालाडेरा वाले जयपुर, 3 कलश श्रीमती कांता देवी रवि जी सुनीता जी सुभाष चौक जयपुर, 5 कलश पूनम चंद जी सौरभ जी वैभव जी ठोलिया नेमी सागर, 5 कलश सुरेश जी मंजू जी छावड़ा बेगस वाले जयपुर, 3 कलश विजय कुमार जी बीना जी ऋषभ जी बड़जात्या नेमी सागर, 7 कलश श्रीमती मंजू जी सेठी नेमी सागर, 7 कलश राकेश जी सर्वेश जी अभिषेक जैन मिट्टू जी नितेश जी मनीष जी दिल्ली रुद्रांश आरजव जैन जयपुर, 5 कलश पदम चंद जी नवनीत जी भाड़िया नेमी सागर, 11 कलश महावीर जी जैन भागीवाला परिवार जयपुर, 2 कलश नरेश कुमार जी कासरीवाल विश्वेश्वरिया नगर जयपुर, 7 कलश वीरेंद्र कुमार जी विनीत जी विपिन जी गोदा नेमी सागर, 2 कलश कांतिलाल जी दोषी परिवार खातीपुरा जयपुर, 7 कलश संतोष देवी जी बाकलीवाल परिवार हनुमान नगर जयपुर,
चार कलश हरेशचंद जी, चीतरमल जी, विकास जी छावड़ा भादवा वाले जयपुर, दो कलश श्रीमती विद्या देवी कुलभूषण जी गोदा भरतपुर वाले जयपुर, 11 कलश नरेंद्र जी, प्रेमलता जी, प्रतीक, स्वाति, अंकित, यासिका, आर्णव, वर्णिका, आरव तथा नक्ष जैन पापड़ीवाल सेवा वाले जयपुर, 5 कलश राकेश जी, सुनीता जी बारिया नेमी सागर, 17 कलश नेमीचंद जी गंगवाल परिवार नेमी सागर, के जी जैन विश्वेश्वरिया नगर जयपुर, 5 कलश राजचंद्र जी, कविता जी सेठी नेमी सागर, 1 कलश छगनलाल जी, ओम प्रकाश जी सेठी डीमापुर, 1 कलश मोतीलाल जी, अरुण कुमार जी बिराका सीकर, 11 कलश कमल किशोर जी, प्रेम देवी जी वरजात्या परिवार सीकर वाले जयपुर, 4 कलश सुरेंद्र कुमार जी पाटनी परिवार नेमी सागर, 2 कलश हंसराज जी, चंदा जी, अमित जी, दीपिका जी, दीपक, आरव गंगवाल परिवार नेमी सागर, 1 कलश स्नेहलता जी, संजय जी, सुनीता जी, कनिष्का, अलक्ष्य सोगानी परिवार जयपुर, 3 कलश उर्मिला देवी कैलाशचंद जी परिवार वैशाली नगर, 1 कलश ललिता देवी चांदवार सिद्धार्थ नगर जयपुर, 1 कलश विनीत जी, रश्मि जी, भव्य भावी चांदवार सिद्धार्थ नगर जयपुर, 1 कलश महावीर प्रसाद जी, मनीष, श्वेता, प्रफुल्ल बरजाते लाल सोट वाले जयपुर, 1 कलश वरुण जी, सोनिया जी वंश, रूही का चांदवार सिद्धार्थ नगर जयपुर, 5 कलश सूरज जी, सीमा जी सेठी परिवार कुकड़वाली वाले नेमी सागर, 1 कलश ऋषभ जैन वैशाली नगर जयपुर, 7 कलश नेमी चंद जी, नितिन जी ठोलिया रेनवाल वाले परिवार नेमी सागर, 4 कलश विमल जी, सुनीता जी गंगवाल नेमी सागर, 11 कलश सुभाष जी, ममता जी अजमेरा नेमी सागर, 11 कलश सुलोचना जी, जय कुमार जी कोटा वाले परिवार नेमी सागर, 1 कलश हरीश कुमार जी, किरण देवी जी, ईशान जैन पांड्या खोरा वाले मानसरोवर जयपुर, 1 कलश अश्वनी जी, पूनम जी, आराध्य। अभिषेक के बाद विश्व शांति की भावना से शांति धारा भी की गई। प्रेम देवी, मातेश्वरी जी, मनोज जी, सीमा जी, प्रतीक जी, समस्त परिवार पलाड़ा वाले सीकर निवासी ना, और श्री श्री नानक राम जी, इंद्रचंद जी, मानक चंद जी, अनुभव जी, अभिनव जी, समस्त सेठी परिवार सीकर निवासी ना, श्रेष्ठी श्री श्रीमान जय कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, साहिल कुमार जी, पुष्पा जी, नेहा जी, नीतू जी, समस्त राव का परिवार, छाबड़ा परिवार, पालड़ा वाले बानमुड़ा निवासी ना सीकर, श्रेष्ठी श्री श्रीमती देवी महावीर प्रसाद जी, मनोज जी, महेश जी, मनीष जी, समस्त ठोलिया परिवार, सपरिवार सीकर एवं बंगलोर, श्रेष्ठी जन श्रीमान शांति कुमार जी, ममता देवी जी, प्रियतम जी, मयूरू जी, ऋषभ जी, सिद्धार्थ जी, प्रीति जी, आदित्य जी, नित्या जी, समस्त सौगानी परिवार जापान एवं जयपुर, श्रेष्ठी जन श्रीमान पदमचंद जी, आकाश जी, समस्त जैन परिवार सूरत, श्रेष्ठी जन श्रीमती संकुला देवी, नौरंगलाल जी, पिंकी जी, गौरव जी, समस्त बरजात्या परिवार फतेहपुर एवं सूरत, श्रेष्ठी जन श्रीमान बाबूलाल जी, मनोज कुमार जी, कासलीवाल, समस्त कासलीवाल परिवार चोमू, श्रेष्ठी जन श्रीमान धर्मचंद जी, हीरा देवी जी, दिनेश जी, नेहा जी पाटनी, समस्त पाटनी जेटी परिवार सूरत, श्रेष्ठी जन श्रीमान जय कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी छाबड़ा, समस्त छाबड़ा परिवार बानोड़ा वाले सीकर। परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से क्षेत्र का विभिन्न निर्माण कार्य और जीर्णोद्धार हुआ है, और उनका आशीर्वाद से ये क्षेत्र दिनों दिन रात और दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ जिन मंदिर में विशेषता ये है कि मंदिर के खम्भों को आज तक कोई गिन नहीं पाया है, और इस मंदिर से जो अतिशयकारी सुमितनाथ भगवान 108 प्रकट हुए हैं, उनके मनोहर अतिशयकारी प्रतिमा है वो मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर से 3 मूर्तियां पहले चोरी हो गई थी शांतिनाथ की, वो अपने आप यहाँ कैसे भी आई है, चोरों ले गए तो चोरों अंधे हो गए, और चोर जो जैसे उसमें ले गए ना ट्रेन में,
तो वो ट्रेन में छोड़ के भगे। आप सब एक बार ही से मेरी सबसे निवेदन है, एक दफा दर्शन करने के लिए अवश्य पधारे। आज हम जिस पावन धरा पर खड़े हैं वह अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में शेखावाटी के सीकर जिले के ग्राम रेवासा स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा, जहां पर भगवान सुमतीनाथ की भूगर्भ से प्रतिमा प्रकट हुई और भव्य जिनालय यहां पर अवस्थित है, जिसमें मूल नायक आदिनाथ भगवान है। इसके अतिरिक्त पास ही में जैन नसियां, जहां पर वर्तमान चौबीसी के साथ साथ पार्श्वनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की अति विशाल काय मनोरम प्रतिमाएं विराजमान हैं, और नसिया जी में मूल नायक भगवान चंद्रप्रभु भगवान हैं। जो भी श्रद्धालुगण यहां आते हैं बस बाबा सुमतीनाथ के चरणों में नतमस्तक होकर अपना जीवन धन्य करते हैं। यहां के अतिशय की कोई कल्पना नहीं कर सकता। यहां पर तीन तीन बार प्रतिमाओं की चोरी हो गई, लेकिन तीनों ही बार मूर्तियां वापस मिल गई। और इसी प्रकार भूगर्भ से प्राप्त यहां पर प्रतिमा है सुमतीनाथ भगवान की चमत्कारिक। और साथ में मंदिर जी की विशेषता यह है कि यहां के मंदिर में जो खंभे लगे हुए हैं प्राचीन, उनकी एक बार में सही गिनती आज तक कोई नहीं कर पाया है। मैं नरपेंद्र कुमार छापड़ा, महामंत्री श्री दिगंबर जैन भव्योदय क्षेत्र रवासा का, यहाँ श्री 1008 श्री सुमतीनाथ भगवान के हर साल की भांति 1 जनवरी 2022 को महाभिषेक हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी हजारों आदमी महाभिषेक करने के लिए आए हैं। 1008 कल से इसकी शांति धारा की गई है और श्रद्धालुओं को इसके लिए इसके ऊपर प्रति श्रद्धा है। यहाँ बाहर से भी कई यात्री आए हुए हैं। मैं संजय जैन रेवासा अतिशय क्षेत्र सीकर से बोल रहा हूँ। ये भव्य मंदिर है और ये भूगर्भ से निकला हुआ अतिशय क्षेत्र है और शेखावाटी में ये अपने आप में एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिनके खंभे नहीं गिने जाते हैं, गिने नहीं पाते हैं। और यहाँ पे आने वालों का सभी का काफी कल्याण होता है। तो दर्शकों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। श्री दिगंबर जैन भव्योदय अतिशय क्षेत्र रहवासा, जिला सीकर, राजस्थान के दर्शन करने आप अवश्य पधारें। इस मंगल भावना के साथ दीजिए अनुमति। जय जिनेन्द्र।